ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है। उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है मर्डर इन 1987 और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फेमस राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम बीगल होता है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने आर्टिकल लिख रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला होता है। वो मिगल का इंटरव्यू लेना चाहती थी और उससे कुछ सीखना चाहती थी क्योंकि अंजना भी मिगल की तरह एक फेमस राइटर बनना चाहती थी। इसलिए वो मिगल के पास आकर बैठ जाती है। मिगल उसे कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है और फिर वो अंजना को अपने आर्टिकल के बारे में बताने लगता है। दरअसल मिगल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का आदमी होता है, उसके मन में जो आता है वो बोल देता है। एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, लेकिन वो आर्टिकल मिगल को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो उसे कहता है कि तुम्हारा आर्टिकल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और अगर तुम्हें फेमस होना है तो ये जरा शॉर्ट होना चाहिए, साथ ही तुम्हारी राइटिंग और आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, तभी लोगों को तुम्हारी राइटिंग पसंद आती है और तभी तुम एक अच्छे राइटर बन पाते हो। राइटिंग करना कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये अपने आप में एक टैलेंट होता है। फिर मिगल एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसे अपने कोट से एक चाबी निकालने को कहता है जो कि उसके एक फ्रेंड के घर की थी और उसका फ्रेंड अगले 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए वो एंजेला को वहाँ आकर इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। एंजेला वहाँ जाकर इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसके साथ वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद मिगल उसे काफ़ी सारी पेंटिंग दिखाता है और उससे खूब सारी बातें करता है। बातें करते करते बुढ़े का मूड बन जाता है और वो उसे टच करने लगता है। सिर्फ टच करने से उसे मजा नहीं आता तो वो बुढ़ा एंजेला के ग्लासेस उतारकर उसे एक किस कर लेता है, लेकिन किस करने से भी उस बुढ़े मिगल को मजा नहीं आता तो वो उसे कहता है कि आजकल मुझे किस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ता गया वैसे इंटरेस्ट चला जाता है। उसने फिर एंजेला को कपड़े उतारने के लिए कहा क्योंकि उसका मानना था कि अंजना उससे कुछ सीखना चाहती है तो बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए, पर अंजेला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिगल को लगा कि शायद वो चली गई, इसलिए वो काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिर्फ शर्ट पहनकर उसके सामने आती है। एंजेला को देखकर मिगल बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। एंजेला उसके पास आकर बैठ जाती है। उसके बाद मिगल उसे टच करने लगता है और वहीं पड़े क्लच को लेकर उसकी कमर पर लगाने लगता है। उसके बाद एंजेला बाथरूम में बात लेने के लिए जाती है तो मिगल भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है और डोर बंद कर देता है और एंजेला के साथ वो भी बात लेने लगता है। एंजेला को पता था कि बुढ़े के इरादे कुछ ठीक नहीं है और अगर वो बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो बुढ़ा उसे बाथरूम में ही पेल देगा, इसलिए वो बुढ़े से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर जैसे ही वो डोर को ओपन करती है तो बाथरूम का डोर ओपन नहीं होता तो वो मिगल से कहती है कि ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। तब मिगल भी दरवाज़ा खोलने की काफ़ी ट्राई करता है लेकिन दरवाज़ा जाम हो जाता है, इसलिए वो खुल नहीं पाता। एंजेला बाथरूम की छोटी सी खिड़की से हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर मिगल उसे कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर हम दोनों को यहाँ किसी ने एक साथ देख लिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मिगल का दोस्त 2 दिन के बाद घर वापस आने वाला था। ये बात जानकर एंजेला कहती है कि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब उनके पास बाथरूम से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मिगल अपना माइंड चेंज करता है और मदद के लिए बाथरूम की खिड़की से आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। जिसके बाद मिगल एंजेला से कहता है कि यहाँ हम पूरी तरह से फंस गए हैं, अब यहाँ कॉमेडी हो सकती है या फिर ट्रेजेडी। टाइम पास करने के लिए वे दोनों काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। मिगल एंजेला से उसके फादर के बारे में पूछता है। एंजेला कहती है कि मैं मिलिट्री में है। उसके बाद मिगल उसके फादर का नाम पूछता है। जब एंजेला उसे अपने फादर का नाम बताती है तो मिगल उसे कहता है कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ और साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता था। एंजेला की बहन और मिगल एक ही एक्टिंग स्कूल में थे और मिगल उसे लाइक भी करता था, लेकिन मिगल उसे कभी इजहार नहीं कर पाया। उसके बाद मिगल कहता है कि तुम्हारी बहन और फादर की आपस में कभी नहीं बनती थी, वे दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे। एंजेला कहती है कि वे दोनों अब भी नहीं सुधरे और अब भी लड़ते रहते हैं। एंजेला आगे कहती है कि मेरी बहन अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और तुम्हारा नंबर भी मैंने उसी से लिया था। मिगल पूछता है कि क्या वो मुझे कभी याद करती है। एंजेला कहती है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं सोचती, उसका मानना है कि तुम एक अहंकारी राइटर हो। ये सुनकर मिगल को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद एंजेला फिर से वहाँ से निकलने के लिए ट्राई करती है और खिड़की से आवाज़ लगाने लगती है। मिगल एंजेला को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पास जाकर उसे छूने लगता है, लेकिन एंजेला को अच्छा नहीं लगता और वो उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, जिससे मिगल को बुरा लगता है और वो बहुत परेशान होने लगता है। जिसे देख एंजेला मिगल के पास जाती है और उसे छूने लगती है और फिर वे दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एंजेला को भूख लगने लगती है। तब मिगल कहता है कि जब लोग मूवी में कुछ खाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था, वो सीन मुझे बिल्कुल रियल लगा।
और राइटिंग भी इसी तरह से की जाती है। मिगल एंजेला के साथ थोड़ा रूड तरीके से बात कर रहा था, जो कि एंजेला को अच्छा नहीं लगता और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी कुछ सुनाने लगती है। मिगल कुछ नहीं बोलता और शांत बैठा रहता है। जब एंजेला का गुस्सा शांत होता है तब मिगल फिर से एंजेला को मदद के लिए आवाज लगाने को कहता है। एंजेला खिड़की से आवाज लगाती है लेकिन इस बार भी उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है, जिसके बाद एंजेला काफी दुखी हो जाती है। तब मिगल एंजेला को खुश करने के लिए कहता है कि क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी, जिस पर एंजेला कहती है कि मूवी और यहाँ कैसे। तब मिगल उसे एक कहानी सुनाता है, पर वो कहानी कोई खास नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। लेकिन वो कहानी सुनाने के बाद मिगल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ उस पर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मिगल किसी की आवाज़ सुनता है। जब मिगल खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी था। उसे मिगल अपने दोस्त को कॉल करने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद जब उसका दोस्त आता है तब वो उस बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से खोल देता है और उन दोनों को उस कंडीशन में देख लेता है। एंजेला जल्दी से बाहर जाती है और कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले एंजेला मिगल से कहती है कि ये सिर्फ एक घटना थी, अच्छी या बुरी पता नहीं। ये कहकर एंजेला अपने घर चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।